अस्सलामु अलैकुम। कराची में एक घंटे के दौरान फायरिंग के वाकयात में दो अफराद जाबाक हो गए। रोजेदारों के खून से सड़कें लाल हो गईं। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में फायरिंग के वाकयात न्यू कराची पावर हाउस और नॉर्थ कराची अंडा मॉल पर पेश आए। न्यू कराची में फायरिंग से शहरी जा भाग और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक काठियावाड़ मोहल्ले में डाकू वारदात के बाद फरार होने लगे तो आवाम ने पीछा किया, जिस पर मुल्जिमान ने ताकुब करने वालों पर फायरिंग की, जिससे नौजवान जाबहक हो गया। दूसरे वाकये में नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से जईफुल उमर शख्स जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाबहक शख्स की शनाख्त 70 साल शुजात के नाम से हुई। दूसरी जानिब कराची में रवां साल डकैती में मुज़ाहिमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 52 हो गई, जबकि रमजानुल मुबारक में अब तक डकैतों के हाथों 13 अफराद मारे जा चुके हैं।